अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज़ दबाने के आरोप लगाए हैं। राठौर ने कहा कि 21 जुलाई को सोनिया गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि इससे पहले राहुल गांधी से भी कई दिन तक ईडी पूछताछ कर चुकी है। मामले में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, बेवजह गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है। सोनिया गांधी जी कल ईडी के समक्ष जा रही है, पेश होंगी। उससे पूर्व श्री राहुल गांधी जी को ईडी ने समन किया, कई दिन तक कई घंटों तक पूछताछ चली रही। ये पूरा मामला प्रतिशोध की राजनीति से प्रेरित है। हम बार बार कहते आए कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है, इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो निशाने पे। हालांकि हम बार बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कहीं भी गलत नहीं हुआ है, जो हुआ है वो नियमों के तहत हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 21 तारीख को जितने राज्य हैं उन राज्यों की राजधानी में ईडी के समक्ष प्रदर्शन किए जाएंगे। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, शिमला में भी होगा और 22 तारीख को जो प्रदर्शन है वो जिला मुख्यालयों में पूरे देश में किए जाएंगे। हम बार बार कहते आए कि आज इस देश की एकता और अखंडता को खतरा है। आज देश को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे तोड़ने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा प्रयास किए। हमारे जो नेता हैं उन्होंने देश की एकता और अखंडता कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये 148 दिन तक पदयात्रा चलेगी। हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी इस पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये 12 राज्यों और दो केंद्र प्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का मकसद लोगों को आगाह करना है कि वो सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में ना आए और देश की एकता और अखंडता क्षुण्ण रहे, उसके लिए प्रयास करें। इसलिए यह पदयात्रा शुरू की जा रही है।